कि मैं बोलूंगा सर बन अपने डिपार्टमेंट से जुड़े हुए काम करो कामों का हल होता है। अच्छी तरह से देखते हैं अपने वर्कर्स को, दो दो मिनट लेंगे, डेढ़ मिनट दो मिनट के बीच में प्लीज अगर सभी नेता हमारे ये श्रद्धांजलि दे सके तो बहुत अच्छा होगा। बैठे हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वीर महाजन जी, साथ में बैठे हुए एमएलए साहबान, एमएलसी, जोनल प्रेसिडेंट और मेरे साथी वाइस चेयरमैन, सामने बैठे हुए सारे पीडीपी के, मैं कहूंगा ये सारे उस गुलदस्ते के फूल हैं जिसको मुफ्ती साहब ने बनाने के लिए खून पसीना बहाया। साथियों, आज हम उस महान शख्स पूरी आवाम की तरफ से पूरी न सिर्फ इस रियासत में बल्कि मुल्क में अपना एक नाम कमाया, अपनी दयानतदारी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपने खलूस और मोहब्बत के लिए वो जाने जाते थे। मेरे से पहले बहुत सारे मकररीन ने मुफ्ती साहब की शख्सियत पे बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुफ्ती साहब की शख्सियत पे बात करना ऐसे है जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो। हम अगर घंटों मुफ्ती साहब की जात पे बोले, मुफ्ती साहब यहाँ पे ऐसे लीडर थे जो श्रीनगर में एक जबान, जम्मू में दूसरी जबान और दिल्ली में तीसरी जबान बोला करते थे, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद शहीद की एक कंसिस्टेंसी रही अपनी सारी जिंदगी, 7 साल पॉलिटिकल कैरियर में उन्होंने वही बात जम्मू में कही, वही बात दिल्ली में कही या मुल्क के बाहर कही। उन्होंने ये चाहा वो एक हिंदुस्तान के बड़े मुल्क के एक बड़ी पार्टी में बड़े कदावार लीडर थे, लेकिन उन्होंने ये समझा कि रियासत जम्मू और कश्मीर में